सुनो, पेच डाला इन बादामलों ने रूहानियत का मामला, बुजुर्गों के मजारात के वकार को, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है, ताजिया बना करके बेहुर्मती का मामला पेश करेंगे और ये तसव्वुर करेंगे कि इमाम साहब की रूह इसमें आती है, ये इमाम साहब का रौजा है, ले जाकर के समंदर में फेंक करके तजिया माल करेंगे और कहेंगे हम इमाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, नारा लगाते हुए न जाने किस किस्म का चलेंगे, धुआं धुक्कुर सुलगाएंगे और सवारी लेकर के चलेंगे, गुमराही फैलाने वाले बदमलो, डरो खुदा के खौफ से, इमाम अली मकाम की रूह को ना दुख दो, ताजिया से इमाम की रूह नहीं खुश होगी, ढोल से नहीं खुश होगी, ताशे से नहीं खुश होगी, तो कुरान पढ़ने शहादत के दिन इमाम की रूह खुश हो जाएगी, तो रोजा रख ले शहादत के दिन इमाम की रूह खुश हो जाएगी, तो गरीबों को खाना खिला दे इमाम की रूह खुश हो जाएगी, तो गरीबों को कपड़ा पहना दे इमाम की रूह खुश हो जाएगी, इमाम के नक्शे कदम पर चल करके इमाम की रूह को खुश करो, ताजिया ढोल बाजा गाजा से इमाम की रूह खुश नहीं होगी, बल्कि इमाम का रूहानी फटकार तुम पर पड़ेगा। यह जुमला जब बोल देता हूं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है कि सुभानी साहब तो ताजियादारी के खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, ताजिया रखना जब हराम है, हराम है तो बोला क्या जाए। आला हजरत से सवाल किया गया कि ताजियादारी क्या है, तो फरमाते हैं मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, हराम है, हराम। निस्बत दी जाती है, बरेलवी लोग हैं या बिदाती लोग हैं, बेच डाला आबरू को।